हेलो फ्रीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आप सभी को भिन्न का भाग बताएंगे, तो इनको ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। एक बच्चा तो पूछा भी था कि सर अगर इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है तो क्यों गलत हो जाता है। तो पहले मैं इसको सही तरीका आपको सॉल्व करना बताता हूँ। ये भाग कितना भी बड़ा हो, यानी अगर 10 भिन्न यहाँ पर लिख दी गई हो और बोला जाए कि भाग करिए, वो भी मैं बताऊंगा। बस आप इसको ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सही तरीका बताया जाएगा, तो वीडियो को ये देखिए। आपका पहला प्रश्न है, इसी को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। 2/6 भागे 4/8 भागे क्या है 9/3 है, यही आपका प्रश्न है। इसको देखिए, सॉल्व करने का सही तरीका है क्या है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर 2/6 है तो हमेशा इसको क्या करेंगे, 2/6 ही इस तरह से लिखेंगे। अब अगर भिन्न का भाग का चिन्ह हो तो इसको हम क्या गुणे का चिन्ह बनाते हैं। इसके अगली वाली जो भिन्न लिखी है 4/8, इसको हम क्या करते हैं उल्टा लिखते हैं, 8/4 लिखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए भाग का ही चिन्ह है, तो आप क्या करोगे गुणे का ही चिन्ह बनाओगे। अब इसके आगे वाला भिन्न 9/3 है तो इसको आप उल्टा लिखोगे, क्या लिखोगे इसको आप 3/9 लिखोगे। अब ये देखिए भिन्न का गुणा बन चुका है। अब इसको या तो आप इस तरह से काट सकते हो तिर्यक, या तो ऊपर नीचे काट सकते हो। तो इसको चलिए मैं काटता हूँ। 2 से आप 6 को काट सकते हैं, 2 के 2 2 3 कितना होगा 6 होगा। 3 से आप 3 को काट सकते हैं, 3 से क्या 3 कट जाएगा। अब आपका 4 बचा है 8 बचा है, तो 4 से 8 को काट सकते हो, 2 बार में 8 कट जाएगा। ऊपर देखिए सभी संख्याएं कट चुकी हैं, सिर्फ 2 बचा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 इस तरह से लिख लेंगे। नीचे आपका सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 9 बचा है, तो 9 लिखेंगे। 2/9 फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सही तरीके से करोगे तो इसका आंसर 2/9 आएगा। अगर इसको गलत तरीके से करोगे, जो बच्चा पूछा हुआ था कि सर अगर इसको हम इस तरह से करते हैं तो क्यों गलत होता है, तो उस चीज को सीखिए। अब मैं वो आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे गलत होता है। यहाँ पर मैं उत्तर लिखा हूँ 2/9 आया था। अब देखिए लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, और कुछ लोग यूट्यूब पर बताए भी हैं कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सही आता है, लेकिन वो गलत है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 2/6 है तो 2/6 लिखते हैं, भाग का चिन्ह है तो भाग का ही चिन्ह लिखेंगे, 4/8 है तो 4/8 लिखते हैं। अब ये जो भाग का चिन्ह है इसे गुणे का चिन्ह में बदलते हैं, 9/3 है तो 3/9 लिखते हैं। अभी तक यहाँ तक सब कुछ सही है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन गलती आपका इसी स्टेप में होता है। 2/6 है तो इसको 2/6 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है तो वो क्या करते हैं गुणे का चिन्ह बदलते हैं, और जो 4/8 है इसको 8/4 लिखते हैं, और ये जो गुणे 3/9 है इसको भी उल्टा कर देते हैं, 9/3 लिख देते हैं। यहीं पर वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। अगर आप 4/8 को उल्टा किया 8/4, यहां तक भी सही है, लेकिन आप 3/9 ही इसको लिखेंगे, जो 9/3 लिखे हैं इसको आप 3/9 लिखेंगे गुणे लगाकर। अगर आप 9/3 लिख दिए तो ये गलत हो जाता है। अब वो लोग क्यों लिखते हैं इस चीज को समझिए, वो शायद ये सोचते हैं कि 3/9 4/8 के साथ गुणे में है, अगर 8/4 पलटा है तो 3/9 भी क्या होगा पलट जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। 2 से 6 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 9 को काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, 4 से हम 8 को काटेंगे, 4 1 4 4 2 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या आया है, ऊपर सिर्फ 2 आया है, तो हम ऊपर 2 लिखेंगे। नीचे हमारा देखिए सभी संख्याएं कट चुकी हैं, तो इसका आंसर 2 आया है, लेकिन जो सही तरीका है उसके आंसर 2/9 आया है। तो सही तरीके से आप करेंगे तो सही होगा। अगर यहाँ पर जो ये लोग पलट दिए थे, यहाँ पर जैसे 9/3 जो लिख दिए थे, इसको अगर ना पलटते 3/9 लिखते तो इसका आंसर सही आता। अगर यहाँ पर 3/9 ही लिखते, इसको पलटा नहीं जाएगा, क्यों अभी मैं आपको प्रूफ के साथ इसको समझाता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए जब आप काट चुके हैं तो 3/9, इसको मैं फिर से काटता हूँ। 2 से आप 6 को काटेंगे, 2 1 2 2 3 कितना होगा 6 होगा, 3 से क्या होगा 3 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। आपका 4 से 8 को काटेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऊपर सिर्फ 2 बचा है तो 2 लिखेंगे, नीचे आपका क्या बचा है 9 बचा है तो 9 लिखेंगे। अब देखिए इस तरीके से भी 2/9 आया है, यहाँ पर भी 2/9 आया है। अब ये गलती क्यों होता है, इस चीज को जरा सीखने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ कि 8 8/2 फिर गुणे यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ।
अगर आप इसको सॉल्व करोगे कि सबसे पहले आप गुणा करोगे कि भाग करोगे, तो सबसे पहले आपको भाग किया जाता है, इसके बाद गुणा किया जाता है। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहें कि 8 लिखा है तो 8 लिखेंगे, भागे 4 का गुणा 2 में कर लेंगे, 4 दुना 8 हो जाएगा। अब 8 से 8 में भाग देंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, ये क्या है, गलत है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है कि आपको क्या 8 में पहले 2 से भाग देना है, तो 2 चौके 8 होगा, अब गुणे आप क्या 4 लिखोगे, 4 का गुणा 4 में लिख करोगे 16 आएगा, ये इसका क्या है सही तरीका है। इतनी बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दूसरा भी प्रश्न बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको बहुत बड़ा भाग रहेगा उसको भी बताता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए आपका दूसरा सवाल है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। हमेशा अगर आपको इस तरह से भाग दिया रहेगा तो हमेशा यही तरीका आप फॉलो करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। 12 बटे 16 है तो इसे आप 12 बटे 16 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 8 बटे 6 है तो इसको हम उल्टा लिखेंगे 6 बटे 8। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पर 12 बटे 16 भागे आपको करना हो क्या 8 बटे 6, तो जब भी भिन्न का भाग किया जाता है ना तो हमेशा इसी तरह से किया जाता है। 12 बटे 16 है तो 12 बटे 16 लिखेंगे, हमेशा भाग का चिन्ह गुणे के चिन्ह में बदलेगा, इसके आगे वाली जो भिन्न होती है उसे हम उल्टा लिखते हैं, 8 बटे 6 तो 6 बटे 8 लिखते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, वही चीज यहां पर भी हो रहा है, 8 बटे 6 तो 6 बटे 8 लिख रहे हैं, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बना रहे हैं, 12 बटे 16 है तो 16 बटे 12 लिखेंगे, इसको हम उल्टा लिखते हैं। अब हम 16 से क्या 16 को काट देंगे, 12 से 12 को काट देंगे, 6 बटे 8 है तो इसे 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 चौके 8, 3 बटे 4 आया, यही फाइनली 3 बटे 4 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे सही तरीके से तो आपका आंसर सही आएगा। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा भिन्न का भाग बताता हूँ उसको आप ध्यान, ये देखिए आपका अगला सवाल है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर इतना बड़ा भिन्न का भाग आपको दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे, अगर अन्य दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा और आपसे गलतियाँ जरूर होंगी। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 8 बटे 4 है तो 8 बटे 4 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 12 बटे 6 है तो 6 बटे इसे 12 लिखेंगे, इसे आप उल्टा लिखेंगे, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 9 बटे 3 है तो 3 बटे 9 लिखेंगे, फिर से भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 24 बटे 16 है तो इसे आप 16 बटे क्या 24 लिखेंगे। अगर जिनको ये प्रश्न आता होगा हल्का फुल्का तो वो मेरे साथ बनाने का प्रयास किया करिए, जितने टाइम पे मेरा उत्तर आ जाता है उससे पहले आप लगाने का प्रयास किया करिए, क्योंकि मैं समझाते हुए आपको चलता हूँ। यहाँ पर क्या 16 बटे 24 तक हो चुका है, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 12 बटे 6 है तो 6 बटे 12 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, 8 बटे 10 है तो 10 बटे 8 लिखेंगे। अब ये देखिए भिन्न का गुणा हो चुका है, अब इसको आप कहीं से भी काट सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 4 से हम 8 को काटेंगे, 4 दुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 है, 12 किससे कटेगा, 6 से हम काट देते हैं, 6 के 6 6 दुना 12 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, यानी ये भिन्न और ये भिन्न पूरी तरह से कट चुकी हैं, इनका काम खत्म हो चुका है। अब हम इनको काटते हैं, 3 से हम 24 को काटेंगे, कटेगा कट तो जाएगा, लेकिन हम 6 से 24 को काटते हैं, 6 के 6 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से 9 को काटते हैं, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपका क्या और चीज कटने वाला है, 16 कट जाएगा, 4 से 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 4 से 12 भी कट जाएगा, तो 4 से हम 12 को काटते हैं, 4 यही 12 हो जाएगा। अब आपका कौन चीज कटने वाला है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, सिर्फ 10 बचा हुआ है, तो 10 देखिए किससे कटेगा, 2 पंचे कितना होता है 10 होता है, और 2 चौके कितना होता है 8 होता है। अब ऊपर सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे देखिए ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 4, तीन का हम आपस में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 18 9 9 4 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बटे कितना 36 आया है, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो कितना भी बड़ा भाग आपको दे दिया जाए अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसका उत्तर सही आएगा। तो इसी तरह से तमाम जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।